नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग है कि आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं उसका आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर देना चाहिए। सो, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो, हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन नंबर वन में है द स्पिरिट एनिमल मॉन्की। मॉन्की एक प्लेफुलनेस की एनर्जी को दिखाता है, लाइट वेट एनर्जी को दिखाता है। दूसरे ऑप्शन में है टाइगर। जो टाइगर का ऑप्शन है वो करेज, विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को दिखाता है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन में है काऊ। तो काऊ एक नर्चरिंग और मदरली एनर्जी को दिखाती है। सो ये है ऑप्शन नंबर वन, ये है ऑप्शन नंबर टू, ये है ऑप्शन नंबर थ्री। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और 5 मिनट मेडिटेट कीजिए और इनमें से जो भी ऑप्शन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसे ही चुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर वन को चूज़ किया है, यानी कि मॉन्की को चूज़ किया है कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो, आपके लिए पहला कार्ड ये आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। यहाँ पर आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उन सबको छोड़ने की ज़रूरत है। पकड़ने की नहीं, छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कार्मिक इश्यूज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं आप दोनों के बीच में। डर का इमोशन है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंट का इमोशंस है, वरी बेस्ड इमोशंस हैं। उन सारे इमोशंस को छोड़ने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ये जो पर्सन है आपके सोलमेट कनेक्शन में है। सो, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। जहाँ पर भी सोलमेट कनेक्शन होता है, सोल लेवल का कनेक्शन होता है, वहाँ पे ट्रू लव होता है। तो आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए। इट इज़ सेफ़ टू बी अ लव। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दोनों के हार्ट चक्र में एक ब्लॉकेजेस हैं। आप दोनों के हार्ट चक्र एक हाई फ्रिक्वेंसी पर नहीं है, इसलिए ये जो पर्सन है वो आपके साथ सेफ़ महसूस नहीं करते हैं, इमोशनली सेफ़ महसूस नहीं करते हैं कि ये आपको अपने दिल की सारी बात बता सकें। एक इमोशनल कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी है। द मून एंड मून, दोनों में क्रीजेंट मून का साइन आया है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो मेजर ब्लॉकेजेस है वो है आपके अंदर का डर। जब तक आपके अंदर डर रहेगा, अनकॉन्शियस फियर रहेगा, ये रिलेशनशिप कभी स्टेबल नहीं होगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको ट्रिगर करेगा, मिरर करेगा और आपको एक अवेकनिंग की तरफ भेजेगा। तो इस रिलेशनशिप में आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि यही कनेक्शन सही है। ये कैसा कनेक्शन है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इस पर्सन के साथ एक तरीके का रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए या फिर रीयूनियन करने के लिए? आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करनी है, बहुत ज़्यादा डीप लेवल की हीलिंग करनी है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, तभी ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। क्योंकि आप दोनों के बीच में हैवी नेगेटिव इमोशन है, द कंसर्न्ड। आप इस रिलेशनशिप को दिन रात सोचते रहते हैं, परेशान हैं, सो नहीं पाते हैं, मून फेस की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा वरी बेस्ड इमोशंस हैं। लेकिन आपको अपना जो ध्यान है, अपने डर को छोड़ के अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तब आपको सही रास्ता नज़र आएगा, लेकिन अगर आप अपने डर को चुनेंगे तो आप चिंताओं में डूब जाएंगे। सो, आपको इस पर्सन का वेट करना है, प्लस स्पिरिचुअल वर्क करना है, मेडिटेशन करनी है, साधना करनी है, हीलिंग करनी है और इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रू लव कनेक्शन है। सो, ये था उनके लिए जिन्होंने मॉन्की वाले सिंबल को चुना। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर टू को चुना है, यानी कि टाइगर को चुना है, आपको क्या करना चाहिए। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की स्ट्रॉन्ग वाली सिचुएशंस हैं जहाँ पर एडजस्टमेंट हो रही है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं आप दोनों के बीच में। रिट्रीट, यानी कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे आप दोनों पॉज वाले स्टेज पर चल रहे हैं।
ये रिलेशनशिप इस टाइम पे पॉज में चल रहा है, इनर्शिया पे चल रहा है, बहुत टाइम से रुका हुआ है, ना ये आगे जा रहा है और ना ये पीछे जा रहा है, एकदम रुका हुआ कनेक्शन है। दूसरी बात ये है ट्रस्ट, आपके जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको इस कनेक्शन में ट्रस्ट रखना चाहिए। यहाँ पे मुझे दो कपल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे दो कपल नज़र आ रहे हैं। तो करेंटली इस रिलेशनशिप में एक सेपरेशन फेस चल रहा है और ये सेपरेशन फेस काफ़ी लंबा है, और करंट एनर्जी ऐसी है कि आपका रिलेशनशिप रुका हुआ है, ना ये आगे जा रहा है और ना ये पीछे की तरफ जा रहा है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज हैं, यू नो फैमिली इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन के अंदर। द वर्ल्ड कार्ड द कंप्लीशन की तरफ जाएगा। यहाँ पर जब तक कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होती, भले ही इस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट होने में 6 महीने लगे, 6 साल लगे, या कितना ही टाइम क्यों ना लगे, तो जब तक ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होती आप दोनों का रियूनियन नहीं हो सकता। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो है नो, यानी कि ये जो कनेक्शन है इसके लिए आपको वेट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये इस टाइम पे ये रिलेशनशिप हैंग वाली एनर्जी में है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आपके जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपके जो पर्सन है उनकी नज़रों में आप पैशनेट हैं, चार्मिंग हैं, ब्रिलियंट है। सो ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, डिस्टेंस हॉरिजॉन का टाइम है, यानी कि आपका अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करते हैं तो ये जो वेट है वो बहुत ही लंबा होगा। यहाँ पे ईयर्स का वेट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, करंट एनर्जी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है और ना ही आपकी तरफ से कोई मेजर एफर्ट है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने अभी तक कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है, यानी कि आपने आपने ऐसा कोई साधना नहीं करी कि आप एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे मेडिटेट करते हो या साधना कर रहे हो या कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सके। नहीं, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज वाली एनर्जी में है, इनसिक्योरिटी में है, फेयर्स में है, और आप दोनों ही कार्मिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहे हैं इस टाइम पर। सो अगर आप इस पर्सन के लिए वेट करते हैं तो ये वेटिंग पीरियड बहुत लंबा होगा। सो आप सोच लीजिए कि आपको वेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग फेस काफ़ी लंबा जा रहा है। लेकिन अगर आप वेट करते हैं और इस वेटिंग फेस में कंटिन्यूसली आप इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते रहते हैं, यानी कि आप कंटिन्यूसली स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, सो आप दोनों इन दी एंड साथ होंगे, यानी कि इन दी एंड आप दोनों की जब साइकिल ख़त्म हो जाएगी, आपका स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म हो जाएगा, तो इन दी एंड आप दोनों साथ होंगे, आप दोनों की शादी होगी। लेकिन ये वेटिंग फेस बहुत लंबा होगा और इस वेटिंग फेस में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप वेट कीजिए, अदरवाइज़ आप मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है, क्रिटिकल सिचुएशंस है और सारा फोकस आपके कर्मा पर डिपेंड करता है कि अगर आपने इतनी ज़्यादा साधना कर ली, मेडिटेशन कर ली, वेट कर लिया तो आपकी इस पर्सन से शादी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो इट्स अप टू यू। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने टाइगर वाले सिंबल को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने काऊ वाले सिंबल को चुना है कि आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो यहाँ पर आपकी कमिटमेंट का एक टेस्ट है, एक एग्ज़ाम है, यानी कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको एक एग्ज़ाम की तरह है कि आप कितने लॉयल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप एक तरीके के एग्ज़ाम की तरह है, एक टेस्ट की तरह है कि गॉड ने या गॉडेस ने, जिसको भी आप मानते हैं, उन्होंने आपको ये रिलेशनशिप दिया, प्लस एक एग्ज़ाम की तरह लिया कि आप इस रिलेशनशिप में कितना वर्क कर सकते हैं, कितना स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, कितना पेशेंस रह सकते हैं, कितने लॉयल रह सकते हैं। ये रिलेशनशिप एक एग्ज़ाम की तरह है, इसे याद रखिएगा। दूसरा जो कार्ड है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। सो यहाँ पर आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट वाली एनर्जी है,
आपके जो पर्सन है वो आपके पास आना चाहते हैं, यहाँ पर आप दोनों का एक यूनियन है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड वेट, वो आपको अपने दिल की सारी बातें बता के हल्का होना चाहते हैं। यू नो एक्सप्रेसिंग द लव, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक रोमांटिक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको इंतज़ार है कि वो आपके पास आएंगे और आपको एक्सप्रेस करेंगे, तो उन्हें भी इस पल का इंतज़ार है कि वो कब आपके पास आएंगे और एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिवाइन विल, डिवाइन प्लान वर्क कर रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन का ऑर्डर है या आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इस वजह से ये सेपरेशन फेज बना हुआ, इस वजह से एक एग्ज़ाम वाला सिचुएशन बनी हुई है। द फूल्स कार्ड, द न्यू बिगनिंग, आपकी इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, यानी कि आप इस पर्सन से मिले होंगे, सेपरेशन फेस में गए होंगे, इस सेपरेशन फेस में इतने पेनफुल सिचुएशन गई, इतनी कार्मिक सिचुएशन गई, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया होगा, आपको हर्ट कर दिया होगा। लेकिन अगर आप कमिटेड रहे, यू नो अपने स्पिरिचुअल वर्क से कमिटेड रहें, आपने फिर भी इस पर्सन को नहीं छोड़ा, आपने इस रिलेशनशिप पे भरोसा रखा, यू नो डिवाइन प्लान पे भरोसा रखा, कंटिन्यूसली अपना स्पिरिचुअल वर्क किया, तो आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी इस पर्सन के साथ। वेट, आपको वेट करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, आपको मूव ऑन तो करना ही नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पर जो कार्ड आया है मेडिटेशन का कार्ड है, आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। इस पर्सन और इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन ही मत लीजिए, सोचिए ही मत, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे ही आएंगे। नंबर 19 द कॉफिन कार्ड, सो यहाँ पर बहुत सी कार्मिक सिचुएशन है जो ख़त्म होगी, कार्मिक साइकल्स हैं जो ख़त्म होगी, और आप दोनों की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। सो इस रिलेशनशिप में आपको डेफिनेटली वेट करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप दोनों का साथ में फ्यूचर है, तो इस रिलेशनशिप में गिव अप मत करिएगा, कंटिन्यूसली मेडिटेशन कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन वर्क कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और विश्वास रखिए इस रिश्ते पर। बहुत ही जल्द आपकी इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ये आपके पास आएंगे, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ काओ को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।